ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि संरचना सुसंगठित होती है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, संरचना सुसंगठित को संरचना के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है, और सुसंगठित के लिए क्या बोला था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्या था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे ये क्या बोलता है। आगे ये कहता है कि इन सुसंगठित संरचनाओं में उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। कोई भी जीव हो, सजीव है, उसकी जो सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका, मतलब उससे छोटी संभव नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्यात्मक एवं रचनात्मक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ क्या था, सेल, कोशिका, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हो गई वो क्या है, वो है कोशिका। क्या है बच्चों, कोशिका। अब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का, किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का। और बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का। और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का, क्या, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र, बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर ही किसका निर्माण करता है, जंतु का या जीव का, जंतु का या जीव का। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस अवस्था में किसी भी जीव या जंतु का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक से ज्यादा कोशिका इन्वॉल्व है ना, एक से ज्यादा कोशिका से बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी जीव जंतु होंगे, ये क्या होंगे, बृहद जीव जंतु होंगे, जटिल जीव जंतु होंगे, ये एक कोशिकीय नहीं होंगे। जैसे हम लोग कैसे हैं, तो हम लोग इसी वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है, हम लोग इसी वर्ग में आ जाएंगे। अब भाई ये इंग्लिश में भी इसको जानना जरूरी है क्योंकि यूज आते रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का, किसका, टिश्यू का। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। बच्चों क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन से फिर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम फिर फर्दर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, इसी से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह जो भी ऑर्गेनिज्म होगा ये कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब बृहद जीव जंतु होगा, क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, जंतु मिल गया ना। अब यहां ध्यान देने वाला है कि ये जो सिस्टम होगा, तो ये जो ऑर्गन सिस्टम होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं अंग तंत्र, क्या बोल रहे हैं, अंग तंत्र, अंग तंत्र। तो ये अंग तंत्र क्या होगा, पादप या पौधों में नहीं होगा, पादप या पौधों में नहीं होगा, पादप या पौधों में नहीं होगा। तो अगर यही वर्ण क्रम हम लोग को लिखना है, यही क्रम हमको लिखना है किसके लिए, पादप या पौधों के लिए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कोशिका, कोशिका से फिर उत्तक, और उत्तक से फिर अंग, और यहां अंग से अंग तंत्र ना होके क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पौधा। ये पौधा क्या, यहां पे अंग से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा पौधा, जहां वहां पे हमारा क्या हो रहा था, ऑर्गेनिज्म हो रहा था, तो यहां भी ऑर्गेनिज्म होगा, जंतु होगा। लेकिन पादप या पौधों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा पौधों के लिए, क्लियर है, कट बात है। और कैसा, जंतु अगर लिख रहे हैं तो क्या, पौधा इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहां जंतु का मतलब आपको जानवर नहीं समझना है, जानवर नहीं समझना है, यहां पे जानवर नहीं समझना है। अगर जानवर की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अंग तंत्र आ जाएगा, क्लियर है ना बच्चों,
आगे बात समझिए, अगर ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्लांट नहीं हो जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, एनिमल, क्या आ जाएगा, एनिमल्स। क्लियर है ना, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। आइए अब फर्दर देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यहाँ पे अब हमारे पास दो शब्द आ गया, एक पर्यावरण और दूसरा विघटित, विघटन। आइए इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो वहां पे हमारे पास क्या मिल गया, दो शब्द मिल गया। कौन कौन शब्द मिल गया, एक शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलता है परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो परिधि, परिमाप, परिवेश, उसी से मिलता जुलता शब्द है ना परि, तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, यानी हम अपने आसपास चारों तरफ जिन चीजों से घिरे हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण। अब हम लोग किस चीज से घिरे हुए हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधा, हवा, तो यही हम लोग का क्या मिलकर क्या चीज का रचना करेगा, पर्यावरण का। आइए अब दूसरा एक शब्द हम लोग को मिल रहा था विघटित या विघटन, इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश जान लेते हैं। इसका इंग्लिश होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ है वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, अणु से मिलकर बना हुआ है या परमाणु से मिलकर बना हुआ है या फिर हम लोग किसी भी चीज को ले, वो जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जिस अणु से मिलकर बना हुआ है या जिन भी चीजों से मिलकर बना हुआ है वो उसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो विघटित का मतलब ही क्या होता है, टूटना, छोटे छोटे अवयवों में टूट जाना जिनसे वो मिलकर बना है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, विघटन, और उसी को कहते हैं विघटित हो जाना। ठीक है बच्चों, आइए अब फर्दर देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। यदि यह व्यवस्था टूटती है, देखिए आगे लिख ही दिया विघटन, तो उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण, अब देखिए एक नया शब्द आ गया, अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब यह अनुरक्षण क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं, यह अनुरक्षण क्या होता है, हमारे पास फिर एक नया शब्द आ गया, क्या आ गया, अनुरक्षण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास क्या शब्द आ गया, हमारे पास शब्द आ गया अनुरक्षण, इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन या मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं, मेंटेन, या फिर इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू कर दे तो क्या हो जाता है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है और 6 बजे तक पढ़ रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, अगर इसी तरह का पढ़ाई तुम साल भर मेंटेन कर दोगे ना तो फिर तुम अपने स्कूल में बोर्ड की परीक्षा में टॉप आ जाओगे। तो अनुरक्षण का मतलब यही होता है, मेंटेन। अब आइए अनुरक्षण में ये शब्द आया यहाँ पे क्यों, जैव प्रक्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रियाएं वे सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो जीवन के लिए वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो जीवन के अनुरक्षण का कार्य करती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण का कार्य सम्मिलित रूप से करती हैं, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जीवन के अनुरक्षण का मतलब क्या है, लाइफ को मेंटेन करना। जैसे हम तो पैदा हो गए, अब हमको जीवित रहने के लिए क्या होगा, पोषण लेना है, श्वास लेना है, उत्सर्जन करना है, पाचन करना है, तो ये सभी प्रक्रियाएं तो सतत रूप से होती रहनी चाहिए ना, मेंटेन होती रहनी चाहिए ना। तो वो सारी प्रक्रियाएं, अगर ये प्रक्रिया मेंटेन नहीं हुई तो क्या होगा, जीव मर जाएगा। तो इनको मेंटेन करना जरूरी है ना, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को मेंटेन करती हैं, हिंदी में उनके उसके लिए अच्छा शब्द क्या है, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे सभी जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। क्लियर हो गया, जैव प्रक्रियाएं क्या है,